चलो अभी देखते हैं हम लोग ऑकरेंस ऑफ मेटल, कि मेटल्स हमें मिलते कहाँ से है। बेसिकली हमें जितने भी मेटल्स हैं ना, वो सारे हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल, ठीक है। समुंदर के पानी में भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं, मतलब सॉल्यूबल सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज द मिनरल्स। जो एलिमेंट या कंपाउंड हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, भगवान जो देता है, हम उनको क्या बोलते हैं? मिनरल्स। एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। मतलब देखो, हमें समुंदर से मिनरल्स तो मिला, ठीक है। अब मिनरल्स के अंदर मेटल है कि नहीं है? मिनरल्स के अंदर मेटल है कि नहीं? अगर अच्छा खासा मेटल है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करके हम लोग मेटल निकाल सकते हैं, तो उस मिनरल को हम लोग क्या बोलेंगे? ओर। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मिनरल में एकदम थोड़ा सा मेटल है, ठीक है, तो उसको निकालना प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस का काम है, तो हम उसको नहीं निकालेंगे, तो वो मिनरल ओर नहीं है। लेकिन जिस मिनरल से हम लोग मेटल निकालेंगे वो क्या बन जाएगा? ओर बन जाएगा, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अभी अभी हम लोग ने पहले क्या देखा? हम लोग ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा पूरा। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर। उस रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखेंगे कि मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर से। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। कुछ मेटल अर्थ के क्रस्ट में होते हैं एंड दे आर इन द फ्री स्टेट। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। और कुछ हमें कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है और कुछ फ्री स्टेट में मिलता है। द मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव। दे आर ऑफन फाउंड इन द फ्री स्टेट। तो जो नीचे के जो एलिमेंट्स है, द एलिमेंट्स विच आर लीस्ट रिएक्टिव, वो किस फॉर्म में मिलते हैं? फ्री स्टेट में मिलते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, दे ऑल आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। अच्छा, कॉपर एंड सिल्वर हमें कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। कॉपर एंड सिल्वर हमें कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। तो कॉपर एंड सिल्वर दे आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर। तो कॉपर हमें सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। अच्छा, जो जो मेटल टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और ये हमें कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर फ्री स्टेट में मिलेंगे तो ऑक्सीजन के साथ, वाटर वेपर के साथ ये लोग रिएक्ट कर जाएंगे और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है। और मेटल जो बीच में है, जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव। तो ये हमें अर्थ क्रस्ट में मेनली एज द ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं, लेकिन सिल्वर और कॉपर कभी कभी हमें सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, दे आर वेरी रिएक्टिव, तो ये हमें कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। और जो मॉडरेट रिएक्टिव है, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, ये सब क्या है? हमें ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, आप देखोगे कि बहुत सारा मेटल जो है ना, वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज वेरी अबेंडेंट ऑन द अर्थ। क्या? ऑक्सीजन जो है बहुत रिएक्टिव है एंड इट्स वेरी अबेंडेंट ऑन द अर्थ, ठीक है, क्लियर। अब इधर आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल इन टू द थ्री कैटेगरीज, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी एकदम नीचे मिलेगा, हाई रिएक्टिविटी एकदम ऊपर, और बीच वाला बीच में, ठीक है। अच्छा, मेटल्स निकालने का ओर्स के अलग अलग तरीका है, लेकिन अलग अलग तरीका डिवाइड किया गया है उनके बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी पे। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे कि ओर से मिनरल कैसे निकाला जाए, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर, और फिर हमें क्या मिलेगा? प्योर मेटल। मतलब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस सीखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जो मीडियम है, जो मीडियम रिएक्टिविटी, कार्बोनेट ओर एंड सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर को हम लोग क्या करेंगे? कैल्सिनेशन। एंड सल्फाइड ओर को क्या करेंगे? रोस्टिंग। उससे हमें क्या मिलेगा? ऑक्साइड ऑफ बोथ द मेटल, हमें ऑक्साइड मिलेगा, और अब उसमें से ऑक्साइड हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा?
मेटल मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, लो रिएक्टिविटी, सल्फाइड और रोस्टिंग, मेटल और फिर मेटल का रिफाइनिंग, क्लियर हो गया। चलो इधर आ जाते हैं। ओर माइन फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेमेंट विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। अब हम लोग ओर्स निकालते तो उसके साथ हमें सॉइल, सैंड, अलग अलग चीजें मिलती है, ठीक है। गैंग्यू, ठीक है, गैंग्यू एक तरह का पत्थर होता है जो यूजलेस होता है, जो हमारे कोई काम का नहीं होता है, ये हमें ओर्स के साथ ही मिलता है। द इम्प्योरिटी मस्ट बी रिमूव, इम्प्योरिटी को हमें हटाना पड़ेगा फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल निकालने से पहले मुझे इम्प्योरिटी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग द गैंग्यू फ्रॉम द ओर आज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग्यू एंड द ओर। तो देखो अब दोनों को अलग करना है, ये मेटल है और ये गैंग्यू है, दोनों को अलग करना है। तो दोनों को अलग करने के लिए बच्चों दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मुझे पता होना चाहिए, क्या भारी है, क्या हल्का है, क्या रिएक्टिव है, क्या नहीं है, और तब जाके तो हम उनको अलग कर पाएंगे, ठीक है। देखो कुछ ऐसे मेटल्स है जिनका केमिकल कंपाउंड कैसा होता है, जैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपको किस फॉर्म में मिलेगा, ये आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड में मिलेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कैल्शियम, ये आपको देखो कैल्शियम की अगर हम बात करें तो ये आपको किस फॉर्म में मिलेगा, ये आपको मिलेगा कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में, कैल्शियम कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर आप बात करें कॉपर तो ये आपको सल्फाइड में मिलेगा, सल्फाइड में मिलेगा, ऑक्साइड में मिलेगा। आयरन की बात कर लो, Fe, ये भी आपको सेम इसी तरीके से मिलेगा। Pb सिर्फ आपको सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा, मरकरी सल्फाइड में मिलेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज लिखो, दीज प्रोसेस जो अभी हम लोगों ने इतने सारे प्रोसेस देखे मेटल, प्योर मेटल निकालने के लिए, उनको क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व्ड, दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन, इन द एक्सट्रैक्शन, दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, and refining of the metal is called metallurgy। क्या हो गया, प्रोसेस, जो भी हम लोग प्रोसेस यूज कर रहे हैं निकालना और उसको साफ करना, उसको हम लोग मेटलर्जी, मतलब निकालना भी और उसको साफ करना भी, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, मेटलर्जी के अंदर। अब देखो निकालने वाला प्रोसेस जब जमीन के अंदर से निकालते हैं तो उसको बोलते हैं माइनिंग, क्या बोलते हैं, माइनिंग, ठीक है। अच्छा निकालते हैं हम कौन से मिनरल्स को हैं जिसमें हमें ओर मिले, मतलब जिसमें कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल हमें ज्यादा मिलेगा, और फिर उसके प्योरिटीज को हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा जो ओर है उसमें क्या है, इम्प्योरिटीज है, हमें क्या है, इम्प्योरिटीज को हटाना पड़ेगा, हमें इम्प्योरिटीज को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा फिजिकल मेथड, एक हमारा फिजिकल मेथड और एक हमारा केमिकल मेथड। हमें दो मेथड मिल गए, एक फिजिकल मेथड और एक केमिकल मेथड, ठीक है। इन दो मेथड से हम लोग उसकी इम्प्योरिटीज को हटाएंगे, ठीक है। अच्छा कुछ इसमें चार अलग अलग मेथड्स है, तो आप लोग मेथड्स का नाम लिखो। नंबर वन, ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, लिखो ग्रेविटी, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, लिख दो यहाँ पर FROTH, फ्रोथ फ्लोटेशन, FLOATATION, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सब समझाऊंगा चारों प्रोसेस,
अभी के लिए लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सेपरेशन, और लास्ट वन इज द केमिकल सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन। क्लियर? अब देखो, ये तीनों हमारे फिजिकल प्रोसेस हो गया और ये मेरा केमिकल प्रोसेस हो गया। देखो ये सब बेसिकली हम लोग आगे के फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है? ये अभी हमारा करंट रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट में जैसे बता देता हूँ, ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है। कुछ ऐसा खरदरा 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 इंक्लाइन प्लेन होता है, जब आप यहाँ से सामान डालते हैं तो जो मेटल भारी है वो तो यहाँ पे बीच में फंस जाता है, और जो हल्का सामान है वो गिर के यहाँ आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन ये जो उड़ता है उससे होता है, जो ऊपर में चीजें आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर? बच्चों इस प्रोसेस में हम लोग पानी और ऑयल का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, अगर हमारा मेटल आयरन निकल कॉपर का बना है तो क्या होगा, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और सारी गंदगी नीचे रह जाएगी। केमिकल रिएक्शंस करके हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये किसका पार्ट था, यहाँ पे हेडिंग डाल दो, ये था एनरिचमेंट और कंसेंट्रेशन ऑफ द ओर, मतलब ओर में मेटल या मिनरल्स कितना है, जो मेटल हमें चाहिए वो कितना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट आता है एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसेंट्रेटेड ओर, फ्रॉम द कंसेंट्रेटेड सेंट्रेटेड ओर। ओर में से अब मुझे मेटल निकालना है, ठीक है? अब इसको ना तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्या? लो रिएक्टिविटी, मॉडरेट रिएक्टिविटी एंड हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, हाई रिएक्टिविटी के लिए तो मुझे पता है इलेक्ट्रोलाइसिस, मॉडरेट कार्बोनेट और सल्फाइड है, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस अभी बताया था, और लो के लिए रोस्टिंग करके हम लोग रिफाइन करके मेटल निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, लो रिएक्टिविटी जैसे मरकरी, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ठीक है, ये हमें फ्री स्टेट में मिलता है, क्या? ये हमें फ्री स्टेट में मिलता है। ठीक है, अच्छा, इनको हम लोग इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड बाय हीटिंग ओनली। तो यहाँ पे लिख लो, कैसे? ऑक्सीडाइजिंग करेंगे इसको हम लोग, ठीक है, ये हमें ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में मिलता है, हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूसिंग, देखो रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड्स, रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड्स बाय बाय हीटिंग ओनली। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अब हम लोगों को एक एग्जांपल देखते हैं, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। लिख दो, एक्सट्रैक्शन ऑफ EXTRACTION, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। तो बच्चों मरकरी हमें कैसे मिलेगी, बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड, सल्फाइड ओर, जब उसकी सल्फाइड ओर को गर्म करेंगे, ठीक है, हवा में, तब हमें मरकरी मिलती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसके बेसिकली दो स्टेप होते हैं, ठीक है, थीके? पहला, रोस्टिंग ऑफ कंसेंट्रेटेड मरकरी सल्फाइड ओर इन द एयर, मतलब पहले हमें रोस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, रोस्टिंग का मतलब स्ट्रांगली हीटिंग, रोस्टिंग का मतलब स्ट्रांगली हीटिंग, एकदम तेज गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, रोस्टिंग का मतलब एकदम तेज हीट करेंगे, ताकि क्या होगा, वो मेटल ऑक्साइड में हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमें मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है सेकेंड प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन करके मेटल ऑक्साइड को हमें कन्वर्ट करना है मेटल में। क्लियर? तो देखो, फर्स्ट स्टेप
मरकरी सल्फाइड, ये होता है 2HgS मरकरी सल्फाइड प्लस 3O2 इन द फॉर्म ऑफ एयर। देन हम इसको रोस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2HgO, इसको बोलते हैं मरकरी ऑक्साइड प्लस सल्फर ऑक्साइड हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या मिला, मरकरी ऑक्साइड। अब मरकरी ऑक्साइड को हम लोग को क्या करना है, रिडक्शन करना है, इसका हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज तो वो हो गया, अब उसको क्या करना है, रिडक्शन करना है, उसमें ऑक्सीडेशन निकालना है। तो जब हम इसको रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, रिडक्शन कैसे होता है, हीट से। ठीक है, क्लियर। तो हमें क्या मिलेगा, मरकरी 2HG प्लस ऑक्सीजन इसमें से अलग हो जाएगा। ठीक है, अराउंड वी नीड टू हीट इट एट 300 डिग्री सेल्सियस। रिडक्शन कैसे होगा, हीट करेंगे तो। ठीक है, क्लियर। हाँ बच्चों, अगर मॉडरेट लेवल का मेटल है, मॉडरेट रिएक्टिविटी का अगर मेटल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें बच्चों जो मिलता है मिनरल वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में, और क्या होता है, ऑक्साइड के फॉर्म में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा। उसमें से अगर मैं ऑक्सीजन निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मेटल मिल जाएगा, जैसे कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम। ठीक है, सोडियम इज अमोंग द हाईली रिएक्टिव। देखो, जो भी मिनरल अगर हमें ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, उसको तो मेटल बनाना एकदम आसान है। क्या कर दो, बस उसको हीट कर दो, क्या कर दो, उसको हीट कर दो, तो वो इजीली मेटल बन जाएगा। लेकिन अगर कार्बोनेट और सल्फाइड है, क्या है, कार्बोनेट और सल्फाइड है, अगर हमारा कार्बोनेट और सल्फाइड है, तो उस केस में मेटल बनाने के लिए पहले हमें उसमें सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर ऑक्साइड से हमें उसको मेटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या तो हमें अब इस प्रोसेस से, या तो हमें रोस्टिंग करना पड़ेगा, रोस्टिंग करना पड़ेगा, और या फिर कैल्सीनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रोस्टिंग मतलब स्ट्रांगली हीटिंग इन द एयर, और कैल्सीनेशन मतलब स्ट्रांगली हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग किस में होता है, एयर में होता है, और कैल्सीनेशन एब्सेंस ऑफ एयर में होता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर। तो अगर मुझे कार्बोनेट का कंपाउंड मिलेगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर, सल्फाइड का मिलेगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो सर कौन कौन से ऐसे मेटल है जिनमें कैल्सिलेशन लगता है, जिंक, आयरन, जिंक, आयरन, लेड। ठीक है, ये जो मेटल्स है एक्सेट्रा, हम लोग को कैल्सिनेशन के थ्रू ऑक्साइड में करेंगे, और फिर ऑक्साइड से हम लोगों को मेटल मिलेगा। अच्छा, जब हम इनको हीट करेंगे, तो मैंने तो आपको बोल दिया कि एयर नहीं होना चाहिए, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा फिर, इनका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा बच्चों, हम अगर पूछे तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए ही हमें करना है, ठीक है ना, कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, वो सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। कभी कभी कुछ मेटल जैसे कि जिंक और आयरन, ठीक है, जिंक और आयरन, ये हमें ऑक्साइड की फॉर्म में मिले। ठीक है, अब इन ऑक्साइड की फॉर्म से मुझे मेटल में कन्वर्ट करना है, दे कैन बी प्रेजेंट इन द ऑक्साइड फॉर्म, तो ऑक्साइड की फॉर्मेट में मिले मेरे को, अब मुझे ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करना है, कैसे करूंगा, इनके लिए मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट लूंगा, रिडक्शन करते हैं तो मैं क्या करूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, कार्बन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, कार्बन, बट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कॉक, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कॉक। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो मेटल के साथ ऑक्साइड प्रेजेंट था, वो ऑक्साइड इस कॉक के साथ मिल जाएगा, तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, ये हमें आउटपुट देगा कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा और साथ में वो मेटल मिल जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, मेटल ऑक्साइड में हमने कॉक किया, तो जो ऑक्साइड और कॉक मिल जाएगा और मेटल अलग रह जाएगा। ठीक
ठीक है, लिखो। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग। दिस प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल दिस प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स बाय हीटिंग विथ कॉक बाय हीटिंग विथ बाय हीटिंग विथ कॉक इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग बोलते हैं। क्लियर? तो हमें स्मेल्टिंग मिल गया। स्मेल्टिंग क्या है? क्लियर? देखो, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। अब हम लोग क्या करेंगे, रिफाइनिंग पे आ जाते हैं। हम लोग ने मेटल तो ले लिया, ठीक है, लेकिन वो एकदम 100% प्योर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिफाइनिंग करना जरूरी है, हमें रिफाइनिंग करना जरूरी है। ठीक है, तो लिखो, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर इम्प्योर मेटल्स द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल्स जिसको हम लोग क्रूड मेटल भी बोलते हैं, CRUDE, क्रूड मेटल। इम्प्योर मेटल को हम लोग क्रूड मेटल भी बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। एंड ऑब्वियसली अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका कोई प्रोसेस भी होगा, ठीक है, कोई मेथड भी होगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। नाम लिख दो, हम लोग कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ये हमारा मेथड है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करते हैं इसमें हम लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कौन कौन से ऐसे मेटल है जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस से करते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, लेड, क्रोमियम, ये सब। क्या होता है कि जब भी हम लोग सॉल्यूशन में से, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम उसमें जिसमें मेटल है और उसमें से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, सपोज करो ये सॉल्यूशन है और आपने इसमें मेटल डाल दिया, यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव इज कैथोड एंड नेगेटिव इज एनोड। ठीक है, तो जो प्योर मेटल है ना वो पॉजिटिव साइड कैथोड में चला जाएगा और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहाँ चली जाएगी, एनोड में चली जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? ये मेथड जनरली हम यूज़ करते हैं हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इन सब के लिए। ठीक है, जैसे 2NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसका सॉल्यूशन में से हम लोगों ने क्या किया, ये मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसके सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट को पास किया। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, तो हमें क्या मिला, सोडियम 2Na। सोडियम जो है वो हमें किस फॉर्म में मिला, सॉलिड फॉर्म में, और साथ में हमें क्या मिला, क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो क्या था, यहाँ पर ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब कैथोड, नेगेटिव मतलब एनोड। ठीक है, Na का मुझे पता है कि पॉजिटिव होता है, ठीक है, और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो देखो सोडियम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, कैथोड के पास। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएगा। ठीक है, मतलब Cl नेगेटिव इज इक्वल्स टू, या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ पर हम, ऑक्सीडेशन क्या होगा, Cl प्लस
ई नेगेटिव, तभी तो हमें सी एल नेगेटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। और देखो सोडियम पॉजिटिव था, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ सोडियम, मतलब आयन में इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल गया? सोडियम का एटम मिल गया। और यहाँ पर ये देखो नेगेटिव था, ऑक्सीडेशन किया तो क्लोरीन में से हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ के उसे नेगेटिव बना दिया। तो ये क्या हुआ? रिडक्शन। ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो ये बेसिकली हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल में यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, अच्छा लास्ट टॉपिक बच्चों जो हमारा इस चैप्टर में बचता है वो होता है हमारा कोरोजन। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थियोरी है, तो हमें इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल दो CORRO, CORRO SiON, कोरोजन। ठीक है, मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं जंग खाना। चलो डेफिनेशन लिखो कोरोजन का। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और एसिड्स मॉइस्चर और एसिड्स फॉर्मिंग ऑक्साइड कार्बोनेट्स सल्फाइड्स एक्सेट्रा ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, अच्छा क्या होता है कि हमारा जो मेटल्स है ना, प्रोसेस ऑफ हीटिंग मतलब मेटल खराब हो रहा है। क्यों? एयर मॉइस्चर पानी एसिड ये सब क्या करते हैं, उनके ऊपर लेयर बना देते हैं ऑक्साइड का, कार्बोनेट्स का, सल्फेट का, सल्फाइड का। इससे क्या होता है, वो लेयर अब उतरनी चालू हो जाती है तो वो खराब हो जाता है। आप देखते हैं लोहे में जंग लगती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कोरोजन जिससे आपका मेटल खराब होता है। तो लिस्ट में हमारी रिएक्टिविटी जो सीरीज है उसमें जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है वो बहुत ईजिली कोरोड होता है, और जो भी मेटल हाइड्रोजन के नीचे है वो बहुत धीरे से बहुत स्लोली कोरोड होता है। ठीक है, तो बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हमें दो क्या चीज़ चाहिए, एक चाहिए हमें एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, लेकिन एयर में ऑक्सीजन चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉइस्चर। ठीक है, अगर आयरन को ये दोनों चीज़ें मिलेगी तो आयरन क्या हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, मतलब रस्टिंग से आप कैसे रोक सकते हो। एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन, लिखो GALVANIZATION गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, क्या होता है ये, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन आर्टिकल्स द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन आर्टिकल्स विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। उससे क्या होगा, हमारा रस्टिंग का जो आयरन रस्टिंग है वो रुक जाएगा। ठीक है, अगर हम अपने आयरन को जिंक से कोट कर दें तो हमारा रस्टिंग ऑफ द आयरन रुक जाएगा। या फिर टिन प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, या फिर निकल प्लेटिंग, अगर हम लोग ये सब कर देते हैं तो भी हमारे आयरन का रस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख दो CHROMIUM, उसके बाद निकल
NICKEL, निकल प्लेटिंग। ठीक है, क्लियर। तो भी हमारा आयरन रस्ट नहीं करेगा। या फिर आप अपने आयरन को पेंट कर दो, आप अपने आयरन को पेंट कर दो, या फिर ग्रीसिंग और ऑयलिंग कर दो। ठीक है, ग्रीस आता है उससे, या फिर ऑयल लगा दो और ऑयलिंग। ठीक है, क्लियर। तो भी आपका रस्टिंग ऑफ द आयरन रुक जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द चैप्टर हमने कवर अप कर लिया है। ठीक है, रेस्ट आप तो अपना चैप्टर पूरा रीड कर लीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट आओ तो आप हमसे व्हाट्सएप से पूछ लीजिएगा, और विजिट आवर वेबसाइट www.rbeiset.com। थैंक यू।